नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुडुमोरा सर्प मित्र पर। और आज का रेस्क्यू कॉल हमें आजमगढ़ ज़िले के महनाजपुर के बगल के गांव हरिनामपुर से आया है। महनाजपुर के रहने वाले हम लोग हैं और हमें हमारे बगल के गांव हरिनामपुर से कॉल आया है। इन्होंने बताया कि मेरे घर में कोई बहुत ही विचित्र जीव दिखाई दिया है, तो हम लोग मौके पर आ चुके हैं। चलिए देखते हैं कौन सा जीव है। बस बस और मत आवाज भी मत करिए। अरे ठीक है, आवाज मत करिए, आवाज मत करिए, अब आवाज मत करिए, कर रहा हूँ। बजा के बजा के एक पर नहीं है क्या? ओफो, देखिए कटता है बच्चा का समय। नहीं कुछ नहीं करेगा। ओहो ठीक, गुस्से में दिखाई दे रहा है। मुंह से बढ़िया गर्दन पकड़ बन लीजिए, बहुत बड़ी से डर के मारे ऐसे भी छुट्टी करते हैं। थोड़ा आराम से मुझे चलने दीजिए। धीरे 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 धीरे, मुझे उल्टा चला रहता है ना रास्ता, उसको साफ कर दीजिए। कट गया होगा किसी दुर्घटना वगैरह में, तीन पैर तो चला था तभी तो थोड़ा धीमा हो गया, बहुत तेज होते हैं सब। आप लोग देख सकते हैं यह एक मॉनिटर लिजार्ड है, इसको हिंदी में गोय भी कहते हैं। और ये वाकई में एक विचित्र जीव है और बहुत बड़े साइज का है। इसे बिस खोपड़ा भी कहा जाता है। जब ये इनके बच्चे होते हैं, मतलब ये लोग छोटे होते हैं, तो सब लोग इसे बिस खोपड़ा कहते हैं। और बहुत तेज़ी से इनका इनको मार देते हैं लोग, क्योंकि उनको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा जहरीला होता है, जो कि बिल्कुल गलत बात है। ये नॉन वेनमस होते हैं, इसमें जहर नहीं पाया जाता है। अरे माता जी, जो सच्चाई तो जाना ना, एक फूकले उकले या कुछ होला ना, नहीं कहला था आप, लेकिन अब जाना होके चाहे जहाँ कहाँ मुहा फूकवा दिए के मन जहर भी ना होला, मन जहर भी ना होला, ये उसका दिखाइए पैर जो कटा हुआ है एक बार। हाँ वो था ही नहीं पहले से, बचपन वचपन में उसके साथ है, जब भी दुर्घटना हुई रहेगी। फिर से दिखाइए उसे, अच्छे से दिखाइए। हाँ एक थोड़ा सा घुमा करके दिखाएंगे क्या उसको, घुमा के ऐसे। हाँ ये इसको छोड़िए, फिर नीचे लटकने दीजिए पीछे की तरफ से। नहीं वो नहीं छोड़ने का, बस बस हो गया, ठीक रख लीजिए इसको संभाल कर। अब हम लोग इसको बोरी में पैक करके यहाँ से ले जाके इसके अनुकूलित वातावरण में छोड़ देंगे। इसके बारे में एक और अफवाह बहुत तेजी से प्रचलित है कि अगर यह फूंक देता है नाभि वगैरह पे तो इंसान की मौत हो जाती है। तो आप लोगों ने वीडियो में देखा आपके सामने इसको फुकाया गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो ये सारी जो अफवाहें हैं सब गलत है, इनमें थोड़ी भी सच्चाई नहीं है कि इनके फूकने से इंसान मर जाता है या फिर इनके काटने से इंसान मर जाता है। ये बिना जहर का होता है तो इसके काटने से भी कुछ नहीं होता, और फूकने से दूर दूर तक कुछ भी लेना देना नहीं है। अभी तीन पैर होने के बावजूद भी ये बहुत ही ज़्यादा एक्टिव दिखाई दे रहा है बोरी में, आप लोग देख सकते हैं। अगर ये गलती से बाहर छूट जाता या फिर हम लोग इसको छोड़ देते तो इसको पकड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाता। और
ये सफलतापूर्वक बोरे में पैक किया जा चुका है। अब हम लोग इसको ले जाकर के इसके अनुकूलित वातावरण में छोड़ देंगे, जहाँ पे अच्छे से सर्वाइव कर लेगा। हमारा काम आपको कैसा लगता है हमें कमेंट से जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वो आज जब देखो भैया तो के लोग की काल देखो काल तो के फिर लोगी वो एक बार इंटरनेट पे चढ़ जाला तो हमेशा बदल जा रहा। रसिया ना मिला उससे नहीं बांधा जा पाएगा क्या? अच्छा पास में बांधना, नीचे बांधना ना। नहीं काटा नहीं, टट्टी कर दिया था उनके। दिखा के छोड़ेंगे कैसे छोड़ देंगे? जाने दीजिए, निकल के जाने दीजिए। दिखाएंगे। और आप लोग देख सकते हैं काफी तेजी से अपने कोई वातावरण में चला गया। वीडियो पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।